साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश के बीच गाइज जो सेकेंड ओडीआई मैच खेला जाएगा उसके बारे में गाइज मैं आपके लिए डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। और गाइज फर्स्ट ओडीआई मैच का वीडियो जिस भी भाइयों ने मेरा देखा था उन भाइयों ने क्लीन स्वीप कराया, क्योंकि गाइज मैंने आपको क्लियरली बताया था कि इस वाले मैच में रॉस इवन डसन को अपनी टीम में आपको रखना ही नहीं है, साथ में कप्तान भी बनाना है और महमूदुल्ला और तस्कीन अहमद के बारे में भी गाइज काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी। अब गाइज आप सोच रहे होंगे कि ये बता के आपने ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया, तो गाइज आपको बता दूं यहाँ पे गाइज एक प्लेयर भी अगर आपने गलत पिक कर लिया या कप्तान वाइस कप्तान का सिलेक्शन गलत कर लिया तो वही गाइज आपके रैंक खराब कर देगा। अब गाइज ये वाला जो मैच होने वाला है जो कि सेकेंड ओडीआई मैच है जो कि साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच होगा, क्योंकि बांग्लादेश गाइज फर्स्ट ओडीआई मैच विन करके आ रहा है और जो सपने में साउथ अफ्रीका ने नहीं सोचा था कि बांग्लादेश उसको उसके घर में आके हरा देगी, तो इस वाले मैच में गाइज साउथ अफ्रीका काफी हद तक कमबैक कर सकती है और वो एक से दो चेंजेस भी गाइज इस वाले मैच में कर सकती है। वो क्या चेंजेस है उसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। साथ में बांग्लादेश गाइज इस वाले मैच में क्या सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगा या वो भी चेंज करेगा उसके बारे में बात करेंगे। साथ में गाइज अपन देखेंगे इस वाले मैच की फाइनल टीम, और गाइज आपको बता दूं जो टीम मैं आपको देने वाला हूं उसी सेम टीम के साथ गाइज मैं खुद भी खेलने वाला हूं, तो कहीं भी गाइज अगर आपका लॉस होता है तो समझ जाना श्योर एक्सपर्ट सपोर्ट का भी लॉस हो रहा है, तो ट्रस्ट गाइज काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। और गाइज हमेशा की तरह इस वाले वीडियो में भी आप लोगों के लिए 10,000 रुपए का फ्री गिव अवे रहेगा। गिव अवे का रूल गाइज सिंपल है, इसी वीडियो के बीच में गाइज एक क्वेश्चन पूछूंगा, सिंपल सा क्वेश्चन होगा वीडियो के से रिलेटेड ही, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है, अगर आपका आंसर सही है तो आपको प्राइज मिल जाएगा। तो गाइज आप सभी भाइयों का श्योर एक्सपर्ट सपोर्ट फैमिली में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा के ऑल जरूर प्रेस कर देना। और साथ में गाइज मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं हर मैच की बिल्कुल फ्री टीम प्रोवाइड करता हूं, चाहे ये मैच हो या कोई सा भी मैच हो, तो अगर आपको फ्री टीम चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गाइज उसका फर्स्ट लिंक है, वीडियो पूरा वॉच करने के बाद आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। अब गाइज देखिए ये वाला जो मैच खेला जाएगा ना ये खेला जाएगा द वॉन्डर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में, और अगर मैं इसकी पिच रिपोर्ट की बात करूं तो यहां का गाइज अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे गाइज टोटल 50 मैचेस खेले गए जिसपे बैटिंग फर्स्ट करने वाली ने 23 और सेकंड करने वाली ने 27 मैच वॉन किया और एवरेज स्कोर की बात करूं तो 247 का है। तो ये वाला पिच भी गाइस काफी हद तक बैटिंग सपोर्टिव है, बैट्समैन को इस वाले पिच पे काफी अच्छी खासी मदद मिलने वाली है। साथ में गाइस स्पिनर्स और पेसर्स दोनों ही गाइस यहाँ पे इक्वल प्रपोर्शन में काफी हद तक मदद लेने वाले है, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ टीम बनाना होगा। और टोटल मैच दोनों टीमों के बीच 6 खेले गए हैं जिसमें साउथ अफ्रीका ने 3 और बांग्लादेश ने 3 मैच वॉन किए हैं, तो बांग्लादेश को जो भाई हल्के में ले रहा था शायद फर्स्ट ओडीआई मैच देखने के बाद अब वो नहीं लेगा। और इस वाले मैच में भी गाइस आपके लिए बैट्समैन और बॉलर दोनों काफी इंपैक्टफुल रहेंगे, किसको रखना है वो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। गाइस आपको बता दूं इस वाले मैच में भी है ना काफी चेंजेस पॉसिबल है, एक बार अपन प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेते हैं इस वाले मैच की। साउथ अफ्रीका की तरफ से काफी सरप्राइज था, क्वांटन डीकॉक फर्स्ट मैच नहीं खेले थे, थोड़े इंजर्ड थे, अगर वो फिट हो जाते हैं तो इस वाले मैच में कायले वेरेंस को रिप्लेस करके क्वांटन डीकॉक खेलते हुए दिखेंगे, अगर क्वांटन डीकॉक नहीं खेलते तो फिर कायले वेरेंस इस वाले मैच में ओपन करने वाले हैं। इसके बाद जे मलान आएंगे ओपनिंग पे, टी बयुमा, ए मकाराम, रॉसी डेड, डसन, डेविड मिलर, एंजुला फिलिकायो, मैक्रो जैनसन, रबाडा, महाराज, लुंगी एंजिडी, ये प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका की तरफ से इस वाले मैच में आपको देखने को मिल सकती है। बट इसमें चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं वो सुन लेना ध्यान से। एक तो क्वांटन डीकॉक आ सकते हैं, यहाँ पे फ्लिकायो की जगह ट्वेंट पैट्रियस आ सकते हैं, और यहाँ पे गाइज महाराज की जगह या तो टीजेड शाम से खेल सकते हैं। बाकी महाराज ने काफी अच्छी बॉलिंग कराई थी लास्ट मैच में, तो मुझे नहीं लगता वो इस वाले मैच में रिप्लेस होने वाला है। बांग्लादेश गाइज ऑलरेडी विन करके आ रहा है तो वो ज्यादा चेंज करेगा नहीं। तमीम इकबाल, लिट्टन दास ओपन करेंगे, इसके बाद शाकिब, रहीम, यासिर अली मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, महमूदुल्ला, आफिफ हुसैन, मेहदी हसन, तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान, ये बांग्लादेश की प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब गाइज देखिए दोनों टीमों के आपको प्लेइंग 11 बता दिया, अब इसमें से कौन सा प्लेयर आपको स्मॉल लीग में रखना है, कौन सा आपको ग्रैंड लीग में रखना है, तो बिल्कुल गाइज ध्यान से देख लेना, अदरवाइज फिर लॉस होगा, फिर आप पछताओगे, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो मत करना और भाई की मेहनत के लिए गाइज एक लाइक जरूर दे देना। विकेट कीपर सेक्शन में देखिए गाइज अगर क्वांटन डीकॉक ये वाला मैच नहीं खेलते हैं तो कायले वेरेंस ओपन करेंगे,
और लास्ट मैच में 21 रन किए थे। और गाइज आपको बता दूं, ये प्लेयर है ना ओडीआई का बहुत अच्छा प्लेयर है। ओडीआई के गाइज जिसने अब तक 9 मैच खेले हैं, 283 रन बनाए 40 के एवरेज से। तो अगर ये प्लेयर खेलता है तो मैं आपको बोलूंगा अपनी टीम में डेफिनेटली रख लेना, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में। बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, एक्सीलेंट प्लेयर है, क्योंकि 40 का एवरेज है ओडीआई में, ठीक है। और यहाँ पे बांग्लादेश की तरफ से बात करूं, मुशफिकुर रहीम नंबर 4 पोजीशन पे खेलेगा। लास्ट मैच में 9 रन पर ही आउट हो गया था, बट गाइस मेरे हिसाब से इस वाले मैच का पंट प्लेयर हो सकता है, ट्रम्प कार्ड हो सकता है, क्योंकि रहीम गाइस ओडीआई में बहुत अच्छा करता है। और आप देखिए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 33 का एवरेज है, ओडीआई में 37 का एवरेज है। यहाँ पे लिट्टन दास की बात करें अफ्रीका के अगेंस्ट, गाइस वैसे तो ये परफॉर्मेंस इतना कुछ खास देता नहीं है, बट फिर भी लास्ट मैच में 50 रन करके गया है। बाकी अगर ओवरऑल एवरेज की बात करोगे तो 19 का एवरेज है लिट्टन दास का। तो गाइस आप इस वाले मैच में एक रिस्क ले सकते हैं। अगर देखो सेफ जाना है जब तो दास को रख लो, थोड़ा सा रिस्क लेना है तो लिट्टन दास की जगह रहीम को रख सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है इस वाले मैच में अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पे रहीम और वायरेंस, ये दो तो बेस्ट चॉइस है, साथ में लिट्टन दास को भी आप रख सकते हैं अगर लास्ट मैच की फॉर्म के बेस पर अगर आपको रखना है तो। यहाँ पे बात करेंगे बैटिंग सेक्शन की, साउथ अफ्रीका के गाइस अगर मैं बैट्समैन की बात करूं तो पहला नाम आता है डसन का। मैंने आपको लास्ट ओडीआई मैच में भी बोला था ये अच्छा वाला डसने वाला है बांग्लादेश को, और आप देखिए लास्ट मैच में 86 करे, ओडीआई में गई जिस प्लेयर का 74 का एवरेज है हेड टू हेड, मतलब बांग्लादेश के अगेन 2 मैच खेले 127 रन बनाए 64 के एवरेज से, मिडिल ऑर्डर में आके खेलेगा। इस प्लेयर को तो ड्रॉप करना ही नहीं है, बहुत ही एक्सीलेंट प्लेयर है। जे मलान की बात करूं ओपन करने वाला है। अब गई ये वाला प्लेयर भी है ना इस वाले मैच का ट्रम्प प्लेयर है, क्योंकि लास्ट मैच में गई ये जल्दी आउट हो गया था, बट बहुत से लोग है ना ड्रॉप कर देंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट मैच में परफॉर्मेंस नहीं दिया। यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये प्लेयर भी गई एक एक्सेलेंट प्लेयर है। ओडीआई में गई लगभग 14 मैच खेले 759 रन बनाए 69 के एवरेज से। तो गई आप अपनी टीम में जरूर रखना, मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेयर है जे मलान और डसन। यहाँ पे बात करें टेम्बुआ बावुमा की, नंबर 3 पोजीशन पे खेलेगा। इस वाले वेन्यू पर गई 2 मैच खेले 121 रन बनाए 61 के एवरेज से, ओडीआई में 50 का एवरेज है, लास्ट मैच में 31 रन करके गया है। और किलर मिलर भी गई आपको एक चीज बता दूं, किलर मिलर इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देता नहीं है, बट बांग्लादेश के अगेंस्ट इसका भी परफॉर्मेंस निखर के आता है। और आप देखिए अब तक बांग्लादेश के अगेंस्ट 4 मैच खेले 170 रन बनाए 42 के एवरेज से, वेन्यू पर भी अच्छा खासा एवरेज है 55 का, और लास्ट मैच में भी 79 करके गए। अब गई आपके सामने टोटल 4 प्लेयर है अफ्रीका के। अब आप बड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार किसको लेके चले और किसको ड्रॉप करे, तो मेरे हिसाब से आपको इस वाले मैच में डसन, जे मलान और मिलर, ये 3 प्लेयर आप लेके चल सकते हैं, एक बेस्ट चॉइस प्लेयर है। और मिलर को चाहो तो ग्रैंड लीग में या स्मॉल लीग में आप चाहो तो बयुमा को रख सकते हैं, पर चारों प्लेयर का रोल इंपॉर्टेंट होगा। अब कैसे रखना है गाइस वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। यहां पे बात करेगा इस बांग्लादेश के बैट्समैन की, सबसे पहला नाम आता है तमीम इकबाल का, जो कि ओपन करेगा। और अफ्रीका के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहता है, 13 मैच खेले 344 रन बनाए 29 के एवरेज से, लास्ट मैच में 41 करके गया है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, बढ़िया प्लेयर है, बिल्कुल ड्रॉप मत करना। यासिर अली की बात करूं नंबर 5 पोजीशन पे खेलेगा, लास्ट मैच में काफी सरप्राइज किया था 50 रन बनाए। मैंने बोला भी था आप लोगों को अगर वीडियो देखा होगा कि ग्रैंड लीग के लिए एक ट्रम्प प्लेयर है, और इस वाले मैच में भी इसको ग्रैंड लीग में ही रखना, स्मॉल लीग में मैं आपको कम सजेस्ट करूंगा। आफिफ हुसैन की बात करूं एक ही मैच खेला है अफ्रीका के अगेंस्ट, 17 रन बनाए, और ओडीआई में गाइस 43 का एवरेज है, 257 रन किए, साथ में 2 विकेट भी निकाले। तो अब देखिए गाइस बहुत सारे प्लेयर है इस वाले मैच में लेने को, अब सबको तो लेके चल नहीं सकते, तो यहाँ पे तमीम इकबाल इज टू बी अ सेफ चॉइस, और बाकी आसिफ अली और आफिफ हुसैन इसको आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना। कैसे करना है वो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। यहां बात करेगा साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर्स की, अब देखिए ऑलराउंडर है ना इनके बहुत सारे, पहला आता है नाम ए मकाराम का, नंबर 4 पोजीशन पे खेलेगा। लास्ट मैच में 0 रन पर ही आउट हो गया था, बट आप देखिए अब बांग्लादेश के अगेंस्ट 3 मैच खेले 111 रन बनाए 37 के एवरेज से, साथ में 2 विकेट भी निकाले, और इस वाले वेन्यू पर लगभग 30 का एवरेज है। एंजेलो फ्लिकायो की बात करें लास्ट मैच में 1 विकेट मिला था, और एक चीज आप ध्यान में रखना पूरे 10 ओवर बॉलिंग कराई थी इस बॉलर, तो मुझे नहीं लगता इस वाले मैच में ड्रॉप होगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ड्वेन पैट्रियस को इस वाले मैच में मौका मिल सकता है, बट मुझे चांसेस कम लग रही है, क्योंकि फ्लिकायो ने अच्छी बॉलिंग कराई थी, पूरे 10 ओवर कराए थे, और आप देखिए हेड टू हेड में 5 मैच 8 विकेट का रिकॉर्ड है। तो फ्लिकायो मेरे हिसाब से खेलेगा और एक बेस्ट चॉइस बॉलर है। मैक्रो जैनसन को तो गाइस आपने देखा ही था, इंडिया के अगेंस्ट भी इसने टेस्ट मैच खेला था, और बहुत शानदार प्लेयर है, लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले थे। तो आप इस वाले मैच में गाइस है ना 2 ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं। 2 ऑलराउंडर कौन कौन है, एक तो फ्लिकायो और एक जैनसन,
मकाराम को मैं इसलिए ड्रॉप करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आएगा और बॉलिंग कराता कम है, तो यहाँ पे गाइज ये दोनों स्पेशलिस्ट बॉलर आपके साथ हो जाएंगे, इसलिए बेस्ट चॉइस है। मकाराम को आप चाहो तो ग्रैंड लीग में रख सकते हैं, एक बढ़िया प्लेयर है, ग्रैंड लीग में आपको एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये करके दे सकता है। ठीक है गाइज, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा क्योंकि गाइज मेरा वीडियो क्वालिटी कंटेंट के साथ एक्सपर्टाइज इन्फॉर्मेशन देता है, बट आप लोग गाइज वीडियो को लाइक नहीं करते, उसको लेकर बड़ा दुख होता है। बांग्लादेश की तरफ से बात करूं ऑलराउंडर में, अब देखिए शाकिब उल हसन नंबर 3 पोजीशन पे खेलेगा, इसको तो रखना ही है, इसको तो ड्रॉप करना ही मत, चाहे स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो, ये तो शानदार स्पिनर भी और बैटिंग भी काफी अच्छी कर लेता है, लास्ट मैच में भी 77 करके गया है। महमूदुल्ला गाइज मैंने आपको बोला था लास्ट मैच में, आप देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे अभी भी टीम पड़ी होगी, मैंने इसको ही रखा था अपनी टीम में और अच्छी खासी रैंक आई है। आप देखिए लास्ट मैच पे 25 रन प्लस एक विकेट भी निकाला, पर ये एक विकेट में गए जिसने जो बॉलिंग कराई थी ना उस लेवल से बॉलिंग नहीं थी, काफी एक्सपेंसिव रहा था। और आप देखिए यहाँ पे अफ्रीका के अगेंस्ट 8 मैच खेले, 27 के एवरेज से 189 रन बनाए। और यहाँ पे मेहदी हसन विराज की बात करूं, क्या जबरदस्त बॉलिंग कराई थी भाई ने, 3 मैच 7 विकेट का रिकॉर्ड है अफ्रीका के अगेंस्ट, और लास्ट मैच में 19 रन प्लस 4 विकेट। तो अब यहाँ पे गए आप दो प्लेयर लेके जा सकते हैं बांग्लादेश की तरफ से, दो ऑलराउंडर, एक तो शाकिब और दूसरा मेहदी हसन विराज, ये दोनों मेरे हिसाब से सेफेस्ट रहेंगे। आप चाहो तो महमूदुल्ला को इस वाले मैच में ड्रॉप कर सकते हैं। अब बात आती है बॉलिंग सेक्शन की, बॉलिंग सेक्शन गाइस साउथ अफ्रीका का काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए गए रबाड़ा है ना, रबाड़ा, इसने लास्ट मैच में एक ही विकेट मिला था इसको, बाकी आप देखिए बांग्लादेश के अगेंस्ट 8 मैच 14 विकेट का रिकॉर्ड है, अच्छी पेस से बॉलिंग कराता है, इस वाले मैच में अफ्रीका कमबैक भी कर सकता है, तो रबाड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। केशव महाराज शानदार बॉलिंग कराई थी लास्ट मैच में, 23 रन प्लस 2 विकेट, ओडीआई में 18 मैच 22 विकेट, काफी अच्छा स्पिनर है। और लुंगी एनजीडी की बात करूं, 15 रन प्लस 1 विकेट, और हेड टू हेड में 2 मैच 1 विकेट, और वेन्यू पर 4 मैच 9 विकेट। तो गाइस यहां पे आप अफ्रीका के तीनों बॉलर्स को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, रबाड़ा, महाराज और एनजीडी, क्योंकि मुझे लग रहा है बांग्लादेश थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है इस वाले मैच में, बाकी अच्छी फॉर्म में है, कोई गारंटी नहीं है, बट फिर भी आप चाहो तो तीनों बॉलर को लेके जा सकते हैं क्योंकि बांग्लादेश के लग रहा है 10 के 10 विकेट जा सकते हैं, तो ये तीनों बॉलर मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैंने गाइस आपके लिए दो टीम बनाई है, अभी बताऊंगा उसमें कैसे मैंने रखा है। बांग्लादेश की तरफ से बात करूं, मुस्तफिजुर रहमान लास्ट मैच में 3 विकेट, और गाइस इस प्लेयर की परफॉर्मेंस है ना अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है, अच्छे पेस से बॉलिंग कराता है। शोरिफुल इस्लाम को 2 विकेट मिले और रहमान को 1 भी विकेट नहीं मिला, और हेड टू हेड में 5 मैच 8 विकेट का रिकॉर्ड है। तो गाइस अब आप है ना यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, जो प्लेयर ने लास्ट मैच में विकेट लिया उसको ड्रॉप करके उस प्लेयर को भी ले सकते हैं जिसने विकेट नहीं लिया, तो रहमान एक ट्रम्प प्लेयर हो सकता है आपके लिए इस वाले मैच का। यहाँ पे देखिए गाइस बेंच पे बैठे हुए प्लेयर है, आप देखिए यहाँ पे क्विंटन डीकॉक अगर ये वाला मैच खेलता है ना तो आग बंद करके लेना और कप्तान भी बना देना, क्योंकि आप देखिए हेड टू हेड में 59 का एवरेज है, वेन्यू पर 53 का है, ओडीआई में 46 का है, तो भूल के भी ड्रॉप मत करना, रख लेना अपनी टीम में, अगर ये आ गया तो बहुत खतरनाक बैटिंग करेगा। और यहाँ पे गाइस हो सकता है ड्वेन पैट्रियस को टीम मौका दे दे फ्लिकायो की जगह, अगर खेलता है तो रिकॉर्ड देख लीजिए 2 मैच 4 विकेट का है और एक अच्छा प्लेयर है। और टीजेड शामसी मुझे नहीं लगता महाराज की जगह रिप्लेस होकर आएंगे क्योंकि ये भी स्पिनर है और महाराज ने अच्छी बॉलिंग कराई थी, तो मुझे नहीं लगता टीम मौका देगी। तो यहाँ पे 2 चांस है, क्विंटन डीकॉक और पैट्रियस, ये खेल सकते हैं, बाकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं ज्यादा चेंजेस की। बांग्लादेश की तरफ से तो मुझे नहीं लगता ज्यादा चेंज इस वाले मैच में होने वाला है। अब देखिएगा जिस वाले मैच में ना साउथ अफ्रीका की तरफ से बॉलिंग डेथ ओवर्स में कौन कराएगा और बांग्लादेश की तरफ से कौन कराएगा, क्योंकि डेथ ओवर्स में विकेट मिलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो अफ्रीका की तरफ से देखिएगा जैनसन, रबाड़ा और लुंगी एंजिडी तीनों फास्ट बॉलर है जो कि डेथ ओवर्स में कराएंगे तो इंपॉर्टेंट बनते हैं। और बांग्लादेश की तरफ से देखिएगा यहाँ पे रहमान, मेहदी हसन और महमूदुल्ला। महमूदुल्ला मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बॉलिंग कराने का मौका मिलेगा, यहाँ पे मेहदी हसन और रहमान आपके लिए बेटर चॉइस हो सकते हैं, बाकी आप चाहो तो रहमान की जगह तस्कीन और शौरीफुल इस्लाम को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। गई टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आपको हर मैच का बिल्कुल फ्री अपडेट मिल जाएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। प्लेयर बैटल गई एक बार देख लीजिए, अगर आपको इस वाले मैच में ग्रैंड लीग विन करनी है, यहाँ पे देखिए गाइस अगर क्विंटन डीकॉक खेलता है तो मुस्तफिजुर रहमान के अगेंस्ट पे मत रखना, क्योंकि आप देखिए उसने 2 विकेट निकाले क्विंटन डीकॉक के, और ये चीज गाइस केवल जीएल में ही एप्लीकेबल होती है, मतलब ग्रैंड लीग में, ठीक है। बाकी यहाँ पे एंजुला फ्रिकायो ने तमीम इकबाल को 2 बार आउट किया है, फ्रिकायो के अगेंस्ट थोड़ा सा इकबाल स्ट्रगल करता है, देखिए 11 बॉलों के अंदर ही 2 बार आउट कर दिया है। और यहाँ पे फ्रिकायो ने रहीम को भी 2 बार आउट किया है, और बाकी तो गाइज एक एक बार आउट है तो वो ज्यादा चीज मैटर
नहीं करती। अब देखिए गाइज इस वाले मैच के ना आपको फाइनल टीम दिखा रहा हूं, दो टीम कॉम्बिनेशन गाइज आपके लिए लेकर आया हूं, दोनों दिखाऊंगा, बाकी हो सकता है चेंजेस भी हो जाए। उससे पहले गाइज इस वाले मैच का गिव अवे का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं, बहुत से भाई वेट कर रहे थे। गाइज आपको क्या लगता है इस वाले मैच में सबसे ज्यादा विकेट कौन सा बॉलर लेगा, इस वाले मैच में सबसे ज्यादा विकेट कौन सा बॉलर लेगा, आंसर आप कमेंट सेक्शन में जाके देना। बट आंसर देते समय दो चीजों का ध्यान रखना, एक तो वीडियो पे लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा के ऑल प्रेस, और टेलीग्राम डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब दोनों टीम गाइस ध्यान से समझ लेना, बहुत ध्यान से। यहाँ पे देखिए गाइस मुशफिकुर रहीम को मैंने रखा है विकेट कीपर सेक्शन में, मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ, लिटन दास को ड्रॉप किया है, बाकी मैंने सेकंड बैकअप टीम में भी रखा है, आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे तमीम इकबाल को, रॉसी डेड डसन को और जे मलान को। जे मलान मुझे लग रहा है इस वाले मैच में परफॉर्मेंस दे सकता है। यहाँ पे शाकिब उल हसन को, मैक्रो जैनसन को और मेहदी हसन मिराज को, ये तीन तो मेरे हिसाब से इस वाले मैच के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है जिनको आपको ड्रॉप नहीं करना है। यहाँ पे तस्कीन अहमद को, यहाँ पे केशव महाराज, रबाड़ा और लुंगी एंजिडी। तो तीन तो गए जिनके पेसर बॉलर हो गए, एक यहाँ पे गए जिनका स्पिनर हो गया, ये पेसर हो गया, ये स्पिनर। तो इस तरीके से गए मैंने कॉम्बिनेशन बनाया जो कि एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके लिए इस वाले मैच का। दूसरी टीम भी गई आपको दिखा देता हूँ, दूसरी टीम में देखिए गाइस मैंने क्या करा है। यहाँ पे आप चाहो तो लिट्टन दास के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि लास्ट मैच की फॉर्म के बेस पर, क्योंकि लास्ट मैच पे 50 किए थे, तो यहाँ पे लिट्टन दास, तमीम इकबाल, डसन और यहाँ पे बयू मा भी आप ले सकते हो जे मलान को रिप्लेस करके। ठीक है, मैं चेंजेस बता रहा हूँ आपको, हर कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिससे आपको एक बेस्ट टीम बन पाए। जे मलान की जगह आप बयूमा को ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे शाकिब उल हसन, जैनसन, मिराज और अगर फुलेक आयो खेलते हैं तो फुलेक आयो को रख लीजिए। यहाँ पे केशव महाराज, दबाड़ा, लुंगी एंजड़ी। ठीक है, तो दोनों टीम कॉम्बिनेशन मैंने दिखा दिए, मेरे हिसाब से फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज टू बी अ बेटर कॉम्बिनेशन, बाकी ये भी आप ट्राई कर सकते हैं जो कि आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। कप्तान वाइस कप्तान की गई अगर अपन बात करें तो देखिए गाइस कप्तान वाइस कप्तान के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डसन मेरे हिसाब से बेटर है क्योंकि काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है बांग्लादेश के अगेंस्ट में, बाकी शाकिब एक बेस्ट चॉइस रहेगा क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा तो आपको हर जगह पॉइंट स्कोर करा के देगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। गाइज मेरा वीडियो हमेशा से इन्फॉर्मेटिव रहता है, एजुकेशन पर्पज से रहता है, आप लोगों ने इस वीडियो को इतना टाइम दिया, प्यार दिया, उस सबके लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।